इस प्रोग्राम में खास तौर से आना चाहते थे, लेकिन दोनों भी कुछ बहुत ही इमरजेंसी मजबूरियां आज निकल कर आई। सोहेल बाकी साहब खास तौर से इसलिए आना चाहते थे कि ये उनका फील्ड का एक बहुत ही खास एक शोभा है ड्रामा, और चूंकि वो भी स्टेज से जुड़े हैं बच्चों से, तो वो चाहते थे कि वो बच्चों का ये ड्रामा जरूर देखें, क्योंकि इस जो प्लॉट यहाँ पर ड्रामे का स्क्रीन प्ले और ये सब कुछ जो आपके सामने पेश किया गया है, उसमें मुझको हमारे ये इंचार्ज टीचर वसीम अख्तर अंसारी को मनाने के लिए उनकी मदद लेनी पड़ी। तो उनका इश्तियाक था कि वो ड्रामा जरूर देखें। उन्होंने मुझे खासतौर से आज ये मैसेज किया है, मेरे पास फोन में वॉइस मैसेज है, मेरा फोन वहाँ पर है, कि वो जीएम मोमी कॉलेज हॉल में इस हफ्ते में ड्रामा जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये हमारा ड्रामा, सिर्फ हमारा ड्रामा बच्चों का, और उसमें वो शहर के कुछ हस्तियों को इंशाल्लाह बुलाना चाहते हैं और वहाँ पे ये ड्रामा शो होगा। मैं चेयरमैन साहब की तरफ से, साथ ही साथ स्कूल कमेटी के तमाम अराकीन और मदुईन की तरफ से, मेरे तमाम साथी असातिज़ा की तरफ से वसीम अख्तर अंसारी को, जो इस ड्रामे के हिदायतकार और उसके मुसन्निफ हैं, साथ ही साथ तमाम इन छोटे छोटे तलबा को, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि तलबा में स्टेज करेज पैदा की जाए, उन्हें दुनिया के सोच से हम आहंग किया जाए, लाइन टू लाइन उनका जो जहन चले, सोचे वो कि दुनिया कहाँ जाती है, क्या क्या होता है, और उनकी सोच में बरतरी हो कहीं पर, उस ख्याल से इस ड्रामे को और ऐसे तमाम सकाफती प्रोग्रामों को पेश किया जाता है यहाँ पर। यही हमारा बुनियादी मकसद है। अल्लाह ताला हमें हमारे मकसद में कामयाब फरमाए। मैं आप लोगों की का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये ड्रामा यहाँ पर पेश किया गया, आपने इसको तवज्जो सुना, हमारे मौजूद मेहमानान भी हमारे यहाँ पर सब्र के साथ अपनी मसरूफियात को छोड़कर मौजूद थे, हमारा बहुत छोटे देखें। मैं बार बार ये कई वर्षों से जब से मैं इस इदारे के सरबरा की हैसियत से काम कर रहा हूँ, एक बात बोलता हूँ कि हमारी जब पास जगह बहुत छोटी है, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े, तो इसलिए आप इस बात का भरोसा रखिए कि हाँ यहाँ पर ये बच्चे हैं, ये 1500 बच्चों तक या 3000 बच्चों के जरिए ये पूरे शहर तक बात पहुँचती है। हमने कुछ सोशल मीडिया फोरम को हमारे स्कूल की पब्लिसिटी का एक अहम जरिया बनाया है और इंशाल्लाह ये काम करते रहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों का तआवुन चाहता हूँ। यहाँ पर दो बड़ी शख्सियात मौजूद हैं, सामाजिक शख्सियात जिनका समाज में यकीनी तौर पर असर है, और तमाम असातिज़ा इनका ज़्यादा समाज में असर है। मैं इन सबसे कहूँगा कि ऐसे तमाम चीज़ों को प्रमोट करें, तलबा तक पहुँचाएँ, क्योंकि उस्ताद से बड़ा फनकार कोई नहीं है, और ये उस वक्त फनकार बनेंगे जब उस्ताद अपनी अपनी फनकारी बताएगा। उस्ताद ही सब कुछ है, यकीनी तौर पर मेमार जहाँ तू है, मेमार जहाँ तू है, और उस तामीर में इनके किरदार की, इनकी शख्सियत की, हमारी हर नशोनुमा में अब उस्ताद के किरदार से किसी को इनकार नहीं। आज ये जो बच्चे हमारे सामने हैं, जो जो ये चाहे ड्रामे के हों, चाहे वो तकरीर और तहरीर के हों, चाहे वो गीत और गजल के और नज्म के हों, तमाम वो बच्चे सब अपने असातिज़ा का प्रोडक्ट है। बस मैं उन असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है तलबा की नशोनुमा का, और वही हमारा बुनियादी मकसद भी है, वो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में पूरे जोरों शोर के साथ, पूरे जज्बे के साथ और पूरे जोश के साथ इंशाल्लाह जारी रहेगा। और मैं आप लोगों का तआवुन इसमें चाहता हूँ, मेरे साथी असातिज़ा का भी। ये टीम वर्क है, ये किसी एक शख्स का काम नहीं है, ये तमाम हमारी रफीउद्दीन फकीह बॉयज़ हाई स्कूल की टीम है जो काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों हम हमें कोऑपरेट करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। मैं एक बात फिर से बोलूँगा कि चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे सर पर हाथ रखें, हमारी पीठ पर हाथ रखें, बस यही हमारा सपोर्ट है। हमारे पीठ पर जो हाथ रखेगा तो हमको ऐसा लगेगा कि हम लोग जो है वो कोई हमारे पीछे है, हमारे काम को
भले ही हम छोटे पैमाने पर कर रहे हैं, एक छोटा सा बीज जो है वो एक तना और दरख्त में तब्दील हो जाता है वक्त गुजरते के साथ साथ। बस वही चीज हम आज कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके फल जो है मुस्तकबिल में देखने को मिलेंगे, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं हम जिंदा रहेंगे उस वक्त तक जब ये फिर से और माजी में इदारे ऐसे काम करते रहे हैं। आज इस इदारे को 45 बरस होने को आए हैं रफीउद्दीन फकीह हाई स्कूल को, इसकी बुनियाद को, और उसके बुनियादी इसमें मलिक मोमिन साहब या फहीम पटेल साहब ये लोग मौजूद थे, उसके बुनियादी बैच में बहुत पहले के बैच में नूह पटेल साहब भी यहाँ के चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ के साबित तालिबे इल्म थे, उस वक्त के तलबा हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। मैं आप लोगों का फिर से एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम तलबा को दिल मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। बच्चों के लिए बहुत सारे इनामात इंशाल्लाह उस प्रोग्राम में जहाँ पे फिर से आपको एक मरतबा बुलाएंगे, मधु करेंगे, और जब पेश किया जाएगा तो वहाँ पर इनामात पेश किया जाएगा। बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब, बहुत बहुत मुबारकबाद।